नमस्कार एवं सुप्रभात, हम स्वामी यादव प्रमोद उपस्थित भेल छी कार्यक्रम भक्ति सागर के वसुधार लगा अपने सके टेलीविजन अपन टेलीविजन पर। दर्शकवृंद, जीवन के हम सब एक कार्यक्रम के अंतर्गत में जीवन संबंधी कुछ बात सब, ये कौन बात पर हम सब जैसे जीवन के कौन ढंग से व्याख्या करे छे। हमरा के जीवन जैसे से करीब करीब अय प्रकार से हम सब चल रहल छे, दोसर के हम सब कॉपी कर रहल छे। देखिए जीवन में सिर्फ हम सब कॉपी बाहे कुछ कर रहल छे, अपने से गौर करने हुए सब कुछ है जीवन में। जब गरीब रहिए तो एकटा अवस्था छले बुझाइ छले जे संपत्ति हेते ते के बाद में जैसे एक दिन सुख चैन मिलते या। लेकिन धीरे 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 पूरा जीवन के न्यौछावर कर दिले पैसा कमाई के लिए, आमदनी एले सब कुछ भेले, लेकिन फिर तब समस्या कत एले। जेब में पैसा नहीं छलै है तेब में सोचै छलै जे पैसा भ जेतै है, लोक अविवाहित रहै छै सोचै छलै विवाह कर ले तब सुख मिलत, विवाह भेला के बाद में बाल बच्चा नहीं छलै है तो कहै छलै बाल बच्चा भ जेतै तब सुख मिलत, काम करते के लिए सुख मिले के ठाउँ नहीं भेट रहल छै। सब कुछ छै घर में लेकिन फिर भी मन बार बार कहै छै जे कोनो खाली सा महसूस भ रहल छै। की छै ओ खालीपन, केले ओहि प्रकार से महसूस भ रहल छै, एक प्रकार के फीलिंग बुझा रहल है। जँ बुझा रहल है तो बुझू जे अपने इंटेलिजेंट पर्सनालिटी छै, अपने बुद्धिमान व्यक्ति छै। एकरा बुद्धिमान के लिए किया हम सब एहि शब्द के बुद्धिमान से जोड़ लिए, कतेक व्यक्ति एहन छै उनका सके इहो चीज नहीं दिखाई छे जीवन में। जीवन में एक प्रकार से कि हमारा जीवन में दुखो है इहो चीज नहीं दिखाई पड़े छे। जी व्यक्ति के दिखाई पड़ते है, जे व्यक्ति के पता चल जाती है कि हमारा पैर में कांटा भ गया है, कि हमारा शरीर अस्वस्थ है, तो वो स्वास्थ्य के ओर कदम बढ़ा देते है, अपने आपके स्वास्थ्य में परिणत करती है या कांटा निकालने के प्रयास करती है। गौतम बुद्ध कहते थे जो बहुत सारा मनुष्य के जीवन में दुख हेबो करे सेहो पता नहीं चले छे, दुख सुख के बारे में वो सोचबे नहीं करे छे, बस जी रहल छे केनाहितो का। हम सब देखी कौर का आंख बंद करके कभी जे हमरा सके बात के पता चल रहा कि नहीं चल रहा है। हमरा सके पता चल रहा बात के तब उपाय खोजना जरूरी है। उपाय की भ सके वो खोजना ही जरूरी है। जखन ते अपने उपाय दिशन लग जब तब खोज जे एक कारण की भ सके, धन संपत्ति नहीं छलगा, धन संपत्ति कमाई के लिए एन केन प्रकार है अर्थात कुछ संपत्ति का अंबार लगा दिले, संपत्ति अति कमा लेली जे जिंदगी केना के बीते से पतो नहीं चल रहे। लेकिन ते के बाद की छे तो ई प्रश्न जब दिखाई पड़े जीवन में, जब ये चीज से दिखाई पड़े लागल तब महसूस हो लागल कि नहीं अब जैसे हमर खोज वही के नहीं छे, हमर खोज कहीं और के छे। कतिक मित्र सबसे भेंट घाट हुई है, उनका सबसे के साथ बातचीत भेला के बाद में वो सब कहे छथिन जे ई भजन भाव ऐसे में बैठे तो बहुत निक लगे है, किया कौन कारण से अपने के ये कर अट्रैक्शन अपने के तैन रहा है। महसूस के नहीं भी बात के जे कतौ
भजन चलित रहे छे, कतो हनुमान आराधना भ रहल रहे छे, कोनो जगह पर अगर कृष्ण लीला चल रहल छे, रामलीला चल रहल छे, तो मन बुझा जेना जा कर कुछ देर बैठ जेती, कुछ देर सुनती, कतो भागवत कथा चल रहल छे, कुछ देर जाकर सुनती, मन जन होइ छे ओहि प्रकार से, तो एगो खिचाव ओहिके ओर जाइ छे, तना तनै छे कोनो चीज ओहिके, ओहिसे बुझा जेना तनै यऽ हमे, एहि प्रकार से जब महसूस हुअ लगै छे, और एना बुझाइत रहै छै जे घर परिवार में अपने आप के सब कुछ भेला के बाद में जेना कुछो हमरा नीक नहीं लागि रहल है, एक मुख्य कारण छै जे अपने के शरीर के भीतर एकटा चेतना छै, जे चेतना निकल गेला के बाद में शरीर के कोई काज नहीं, जे चेतना के कारण से ई शरीर छै, तो जेने शरीर के भूख लगे छै तेने ओई आत्मा के भी भूख लगे छै, शरीर के भूख लगला के बाद में शरीर के लागे हम सब भोजन जुटबै छी, जे हम सब भोजन करी दाल भात तरकारी रोटी जे भी हम सब खाई छी इस शरीर के तल पर भ रहल छै, और आत्मा के तल पर आत्मा के भोजन कुछ और छै, आत्मा के भोजन छै प्रेम, आत्मा के भोजन छै आदर अभाव ग्रेटिट्यूडनेस, ये आत्मा के भोजन छे, सत्संग वो वातावरण भोजन करे के ठाव छे, सत्संग में जब अपने रहबैया तब अपने जैसे वही प्रकार से तृप्त बुझाइत रहै छे, अनायास वो तृप्ति छे, वो सिंबल वो इशारा छे अंतस के इशारा, तो जे व्यक्ति के भीतर में वही प्रति अगर चाहना नहीं होवे छे, हाँ बहुत सकिए जवानी की धूप में ये चीज नहीं दिखाई पड़े, जावे तक जवानी रहे छे लोग के, हम एक कथा सुनने छे, छोट कथा छे, ये ठंडक के महीना रहे और खिखीर, जे अक्सर खिखीर के अपना सके कहावतों से खिखीर के दशा कही का ठंडक महीना में, खिखीर धार कात में की होइ छै कि खिखीर के ठंडा में ओकर पूंछ जैसे मोटा जाइ छै, तऽ खिखीर के जे बिल होइ छै ओहि बिल में ओ जा नहीं सके है, पूंछ मोटा हो जाइ छै, तऽ ओ बिल में प्रयास करै जाय के नहीं जा सके छै, तऽ बाहरे में ओ एटा और सब से सीताहल नरिया ओ सीत परत रहल, ओ बाहरे में ठंडा से थथराइत रहल आ भैरत बाहरे बितौल, एटा खिखीर सुबह के समय में एहने नदी किनार पर सुतल रहे, सुतले सुतले जैसे जब भिनसर भेले तो उठले तो देखे छे जे ओकर छाया दूर नदी के दोसर तट तक पहुंचे, ओ बिसरि गेल कम खिखीर छी के कह ओकर बाप रे हम अतिरा के जनावर छी, राति भर के भूखे आयल, ओ सोचे हम तो अतिरा के जनावर छी, तो हमरा लागे तो छोटका हम मूस खाई छलिए, छोटका छोटका चीज सब खाई छलिए, कीड़ा फटेकना खाई छलिए, ये तो हमारा खाए वाला चीजें नहीं, हम तो हाथियों से बरका छे, तो थोड़ा तो हाथी खा के चाहिए, वो खिखीर तलाश में निकल जाए हाथी के, और घूमते 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 भूखे भूखे प्यासे बस संजो के बाद रहे दोपहर में जब छाऊं धूप रहे छे आकाश पर चल रहल माथ पर चल रहल रहे छे, जब दोपहर में देखे अपन छाव के देखे छोट भगल कनकीटा के, तब सोचे जा हम अतिटा के जनावर छे, ते के बाद में वो की करे छे ता बस वो देखे छे बगल में मुस्क उदित रहे छे, वो मुस्क पकड़ खा ले पेट तृप्त कर ले छे, हमरो के साथ यह अवस्था छे, कहीं हम सब जवानी के धूप में तो कहीं विसरते नहीं जैसे अपने आप के, ये गौर करना जरूरी छे, कहीं अहंकार के धूप में हम सब अपने आप के विसरते नहीं जा रहल छे, ये गौर करना जरूरी छे, और जब समस्या के सूरज माथा पावे छे सब अकल ठीक भए छे, 10 मिनट स्वागत है सबने सबके, ए
भजन के बाद, विश्राम के बाद हम सब चर्चा कर चलिए अपने आप के देखे के हैं, और व्यक्ति अपने आप के केना के जैसे फुला ले है, और केना के जैसे सिकुरा ले है, इटा लाइन छे जे फुकना जे होइ छे, फुकना के बारे में कहल जाए छे जे गुब्बारे कितने कमजोर होते हैं, गुब्बारे कितने कमजोर होते हैं, चंद सांसों में फूल जाता है। देखी छे फुकना के जे रहे छे कनकी टाके, और कनका फूक दिला भागल पर टाके। गुब्बारे कितने कमजोर होते हैं, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और फूल कर अपनी औकात भूल जाते हैं। देखी छे फुकना बुझे समझ लगे छे अपने आप के, जो हम कत्ते रखने के तरह के भाग लिया आप, और खिलने लगता है और उड़ने लगता है आकाशों में हवाओं के संग, उड़ा लागल आकाश में। कहूं एक पीन काफी है धरती पर गिराने के लिए, बस कतो ये पीन लग गए वो असलियत में चल अबे फिर अपना साइज में चल अबे हम सब ख्याल करी जीवन में जे हमरा के साथ कहूं हम सब फुकनाते में भगल छे कि कोई फुका जाए छे। अक्सर हमरा के हालत ये छे कोई प्रशंसा से फूक दिया बस फूक के जैसे बच जाके भाग लिए, कोई निंदा से फूक दिया बस बरस पड़े तुरंत भूल गए सब चीज के हम के छी केना छे, जान चल जाते लेकिन छोड़बे नहीं, एक प्रकार से भाव बढ़ जाए तुरंत। मित्र लोग ख्याल करी हम सब ख्याल करी जे एक प्रकार से जीवन में कोई फूक दे और हम सब फुका जाए, कोई स्विच ऑन कर दे हम सब घूमे के शुरू कर दे पंखा लेखा। अक्सर ये हालत है हमारा के व्यक्ति सब फूक दे है हम सब फुका जाए छे, कोई प्रशंसा कर दला आहा हा हा कते मन गदगद भ गेल, कोई कनी खराब बात कर दला मन टूट गेल साफ साफ मुरझा गेल। नहीं अब नहीं केकरो फुकला से फुकाए के है, कोई प्रशंसा केकरो प्रशंसा से नहीं मन के फुलबे के छे, नहीं केकरो कहला से कोई अपने के बारे में नकारात्मक बोलते तो वही कारण से जैसे अपने चित्त के दुख बेगे छे। ये अवस्था तभी आ सके जब कोनो सदगुरु संग अपने जुड़ल रह गया, जब तक कोनो सदगुरु संग नहीं जुड़ल रह गया अपने तब तक ये अवस्था नहीं आ सके। ऐके लक कि ई स्थिति ई स्थिति के कहल जाए छे अपने के जे दृष्टा के स्थिति है, अपने सुखो के देखबे दुखो के देखबे, वो दृष्टा के स्थिति तभी बन सके है जब अपने ध्यान में उतरबे, बिना ध्यान के संभव नहीं छे, विचार के आधार पर ये चीज नहीं किया जा सके है। और जब ध्यान में अपने उतरबे है तो ध्यान की विधि केना करेगे छे, की करबे किनका निर्देशन पर करबे, अपने किताब पढ़ कर ध्यान करबे तो बस वह हालत है जे कोई आदमी चले किताब पढ़ कर जैसे दवाई खाए के लेल की हेतु लिखल छे किताब में ए बीमारी में ये दवाई, कोनो बात नहीं दवाई तो लिखल छे लेकिन अपने के शरीर के देख कर डायग्नोसिस कर से डॉक्टर जे ऐ शरीर के लिए कते डोज उपयुक्त छे कहकर, ऐ बीमारी के अवस्था के लिए कते डोज उपयुक्त छे। अक्सर व्यक्ति होशियार होइ छे जे चाहला जे डॉक्टर के फी बचा ले अपने से पर के इलाज कर ले, ये हालत छे अध्यात्म में। स्वास्थ्य में तो कुछ कम हो लगले अब व्यक्ति जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करे छे, लेकिन अध्यात्म में अक्सर ये हालत छे किताब पढ़ लेला और वही के आधार पर प्रयोग शुरू कर देला, कोनो प्रकार के प्रयोग अगर बिना सदगुरु के गाइडेंस में बिना गुरु के गाइडेंस में अगर हम आ करे छे तो ख्याल कर अगर
दवा के कारण से खराब अगर कौन चीजें थे तो सिर्फ शरीर खराब रहते हैं, लेकिन एक नीक गुरु अपने के जीवन में अगर नहीं मिले हैं तो जन्मों जन्म पर के असर अपने के चेतना पर पड़ जाते हैं। यही बात ख्याल करना जरूरी है। लेकिन नीक सदगुरु संग है या वो व्यक्ति जो सहज तरीका से अपने के जैसे अध्यात्म की ओर ले जा सके, बस एक तलाश करना जरूरी है। तब देखो अपने जीवन में जैसे सदगुरु के आगमन होते अपने जे कोनो भी चीज के प्रयोग करबे, जना ध्यान के प्रयोग करबे या अपने सत्संग में जेबे या तो बस ई मिट्टी सोना में बदल लगे छे, ई लोहा पारस में बदल लगे छे, गुरु पारस छे जे छुई छे तेरा सबके बदल दे छे। ता दर्शक बिन अपने सबला हम सब यही बात के प्रस्ताव रखब जे अई जीवन में सदगुरु के खोजली, निक सदगुरु के संग खोज का ओंकार ओंकार रूपी धन अपने के साथ में है, उ लक जन्मल छे अपने वही ओंकार रूपी धन के साथ एकाकार हुई और वही धन के बुझली तब मात्र जीवन सफल है। यही प्रार्थना संग अपने के जीवन में सदगुरु मिले, सदगुरु से नेह लागे और जे सदगुरु के साथ घटल है जे घटना या सदगुरु जे चीज के प्राप्त करने से वो अपनों के जीवन में प्राप्त हो। अ शुभकामना संग आज कार्यक्रम के हम सब यही विराम दे रहा है। हम स्वामी अतम प्रमोद विदा चाहे। जय ओशो, जय ओशो तारा।